सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अपील खारिज कर दी। इस मामले में अब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आपकी आलोचना की है। इतना ही नहीं, बीजेपी के आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के जितने भी बयान हैं वो सब धरे रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। वो लगातार कह रहे थे कि मनी ट्रायल कहाँ है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल से बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मांग की है कि अपने मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अरविंद केजरीवाल इन सभी लोगों को बचाने में क्यों जुटे हुए हैं। ये वो पार्टी है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर शुरू की गई थी। इस पार्टी की शुरुआत अन्ना हजारे के आंदोलन से हुई थी, मगर अब जिस तरीके से पार्टी के नेता लगातार आरोपों में फंस रहे हैं वो सवाल खड़ा करता है। ये जानना जरूरी है कि क्या अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में रोल है। ऐसे में भ्रष्ट लोगों को बचाने में केजरीवाल क्यों जुटे हुए हैं। भ्रष्टाचार होने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।